स्वामी जी, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें मोबाइल ज़रूरी भी है, ये एक तरीके की नेसेसिटी भी बन गया है, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन मोबाइल का एडिक्शन जो है वो डिजिटल डिमेंशिया बढ़ा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आप तो आज सूर्य नमस्कार के साथ हमारा योगाभ्यास का सेशन शुरू हो ही गया है, लेकिन डिमेंशिया होना यानी कि भूलने लगना, फोकस ना कर पाना, याद किया हुआ बच्चों को याद नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि फोन का एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है, इस पर कैसे वार किया जाए? तो शीर्षासन सर्वांगासन को तो स्वभाव बनाना है, सूर्य नमस्कार को स्वभाव बनाना है, रोज हम जो दंड बैठक लगाते हैं ये हमारा स्वभाव बन जाए ऐसे। और इतना भी ना हो तो कम से कम आज मैंने सबको व्रत दिलाया है 100 बार भुजंगासन करना है, रोज 10-10 बार बढ़ाते जाना है, दोनों हाथ साइड में रख करके और फिर दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इतना भी तेजी से ना कर सके तो धीरे धीरे ऐसे करें। और इसके लिए 2-3 चीजों को और जीवन में अपनाना है। ब्राह्मी घृत 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खा ले, गाय का घी खाली पेट। मैंने देखा एक हमारे बहुत अच्छे कथाकार हैं, हमारे पूज्य मुरलीधर महाराज। मैंने कहा महाराज जी सेहत बड़ी अच्छी बना रखी है। बोले रोज है वो तो थोड़े, बोले रोज जो है आधी कटोरी घी पीता हूँ सुबह सुबह सैर करके योग करके आधी कटोरी घी पी जाते, इतना तो नहीं लेकिन स्वामी जी ये तो हम लोगों को पचेगा नहीं, पेट घी खाने का अभ्यास, वर्जिन कोकोनट ऑयल तो 1 चम्मच पचेगा। हाँ। ये जो पराठे के साथ खाते हैं, दाल में सब्जी में डाल के खाते हैं, ये जो लड्डू जलेबी में चूरमा में घी जाता है ना, उसकी बजाय खाली पेट खाया हुआ घी डाइजेस्ट होता है और उसका कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई बैड कोलेस्ट्रोल ट्रांस फैट और तमाम तरह के उपद्रव नहीं होते। तो इसलिए इसका तो स्वभाव बनाए, गाय का घी, गाय का दूध, भैंस का दूध पीने से ताकत तो आएगी लेकिन पाड़े जैसी बुद्धि हो जाएगी, झोटे जैसी बुद्धि, लड़ाई झगड़ा करने वाली, पशु बल बढ़ेगा व्यक्ति के अंदर जो है वो शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, दिव्य बल बढ़ना चाहिए, दिव्य शक्ति, सात्विक शक्ति बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए भुजंग आसन मैंने कहा रोज 10-10 बार बढ़ा करके और 100 बार तक पहुँचना है। ब्राह्मी शंख पुष्पी अश्वगंधा, इतनी बढ़िया चीजें हैं, ब्राह्मी शंख पुष्पी अश्वगंधा शतावर, उसी में थोड़ा फ्लैक्सीड भी मिला दें, फ्लैक्सीड का पाउडर करके। ये फ्लैक्सीड में जो ओमेगा होता है दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो डिजिटल डिमेंशिया है, ऐसे भी डिमेंशिया भी बढ़ रहा है, दिमाग सिकुड़ जाता है, कुंठित तो होना दिमाग का भावनात्मक रूप से और फिजिकली दिमाग का सिकुड़ जाना, ये डिमेंशिया है।